जय प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर ने पालमपुर प्रशासन को 5,000 फूड टीन भेंट किए हैं। इन टीन में एक व्यक्ति के खाने के लिए भरपूर भोजन है तथा खाना पौष्टिक होने के साथ साथ लगभग 12 माह तक खाने योग्य रहता है। एसडीएम पालमपुर धर्मेश रामोत्रा ने हिमालयन जैव प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर के निदेशक संजय कुमार द्वारा पालमपुर प्रशासन को लगभग 5 लाख की सहायता उपलब्ध करवाने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि फ्रंट लाइन पर रहने वाले कोरोना योद्धाओं के लिए, जिनमें पुलिस के लोग, स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और प्रवासी मजदूरों को भोजन उपयोग में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सीएसआईआर ने कोरोना योद्धाओं के लिए 6,500 खाने के टीन पैक, लगभग 1 लाख रुपए के सैनिटाइजर और फुट ऑपरेटेड पंप भेंट किए हैं। एसडीएम ने कहा कि पालमपुर के लोगों और संस्थाओं द्वारा भरपूर सहयोग राशन इत्यादि के लिए प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों के सहयोग से लगभग 25 लाख का राशन प्रवासी व अन्य जरूरतमंदों में वितरित किया गया है। साथ ही साई सेवा समिति ने 191 राशन के किट भी भेंट किए हैं। जैसा कि आपको मालूम ही है कि आजकल जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड है, जो कर्फ्यू लगा है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी मैं कहूँगा कि लेबर ऐसी है जो कहीं बाह्य प्रदेशों से, या मैं ये भी कहूँगा कि हमारे अपने प्रदेश के भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी काम काज पे नहीं जा पा रहे हैं और उन्हें इवन अपनी रोजी रोटी कमाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। पालमपुर उपमंडल में बहुत सारे लोग ऐसे आगे आए हैं जिन लोगों ने अभी खुले दिल से हमें सहयोग दिया है। मैं बल्कि ये भी कहना चाहूँगा आपको कि अभी तक लगभग हमें लगभग 25 लाख रुपए के लगभग इतनी फूड किट्स जो है वो लोग दे चुके हैं। अभी तक हमने सरकारी धन से कुछ भी ऐसा कोई परचेज नहीं किया है फूड किट्स। और इसके अलावा विशेष रूप से मैं अभी उल्लेख करना चाहूँगा जो हमारे सीएसआईआर है, आईएचबीटी है यहाँ पे संस्थान, उनके डायरेक्टर संजय कुमार जी का, जिन्होंने जिनके साथ मैंने डिस्कशन की थी कि सर हमारे पास यहाँ पे लगभग 12,000 के आसपास, इससे कहीं अधिक लेबर है और उन लेबर को फीड करना हमारे लिए एक हरकुलन सा टास्क हो गया है। तब उन्होंने हमारे लिए विशेष रूप से फूड टिन जो केन थे वो प्रिपेयर करवाए, जिसमें कि एक बहुत अच्छा भोजन रेडी टू ईट, वो भोजन जो लगभग आधा किलो के आसपास एक कैन में रहता है, वो कैन उन्होंने प्रिपेयर करवाया और अभी तक वो हमें 6,500 कैन ऐसे दे चुके हैं। मैं अगर रफ सा एक एस्टिमेट बताना चाहूं तो वो 4 लाख के आसपास उसकी कीमत बनती है। इसके अलावा जैसे हमने उनसे और भी कभी मुसीबत की घड़ी में इस जैसे सैनिटाइजर्स थे, वो भी उन्होंने हमें काफी, मैं ये कहूंगा 1 लाख रुपए के तो उन्होंने सैनिटाइजर ही हमें दिए हैं जो हमारे फ्रंट वॉरियर है, कोविड वॉरियर है, जैसे पुलिस अथॉरिटीज हुई या इवन हमारे जो सर्विलेंस टीम पे हैं या जो फूड पैकेट्स दे रहे हैं, ये जो हमारे एसेंशियल ड्यूटी पे लगे हैं उनको हमने सप्लाई किया है। इस तरह से बहुत सहायता उन्होंने की है। इसके अलावा इवन हमने उनसे ये भी जिक्र किया था कि उन्होंने फूड एक फुट ऑपरेटेड पंप, हैंड पंप, हैंड वॉश सिस्टम भी उन्होंने इंस्टॉल करवा के यहाँ दिया है। और इसके साथ साथ और भी जैसे कोविड-19 की जो टेस्टिंग है वो भी बहुत जल्दी यहाँ शुरू होने वाली है, जिसमें मंडी, कुल्लू, हमीरपुर और कुछ लाहौल स्पीति के हिस्सों का जो अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आते हैं तो उनकी टेस्टिंग भी यहाँ हो पाएगी। तो ऐसे संस्थान आगे आए हैं, मैं तहे दिल से प्रशासन की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ और भी लोगों से आग्रह करता हूँ कि इस तरह से अपने कदम आगे बढ़ाएं ताकि इतनी बड़ी जो लेबर है उन्हें कहीं ऐसा एहसास ना हो कि उनके साथ कोई नहीं है। हम हैं उनके साथ, प्रशासन है उनके साथ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।